सबसे पहले आप सबको नमस्कार, और मैं जूम डिजिटल मीडिया को बहुत थैंक्स देता हूँ, आपने आज हमें समय दिया। और जितना भी मार्केट वेलफेयर कम्युनिटी के हमारे लिकावली के लोग और आने पार्टी जितना भी आए हुए हैं, आप सबको भी एक बार फिर नमस्कार और वेलकम करता हूँ आज के इस मीटिंग में। एक्चुअली आज का ये मीटिंग हम लोग जो रखा गया था कि ये इस विषय में था, ये आपका लिकावली में जो गंदगी ज़्यादा फैला हुआ है उसको हम लोग किस ढंग से सफाई में टाउन एरिया लिरुलुपु अपर कॉलोनी को किस ढंग से हम लोग रख सकता है उसका ऊपर में हम लोग विषय में बात किया था। तो आपका एग्जैक्टली आपका ये 18 नवंबर 2022 में जब रिवा सर यहाँ में डिप्टी कमिश्नर था, एक ऑर्डर दिया था हम लोग का न्याकर ताइपोडिया को कि लिकावली एरिया में जितना टाउनशिप एरिया में वेस्ट मटेरियल है उसको डंप करने के लिए। तो हमारा वो न्याकर बेटा आपका फन ये सब का रिसोर्स कम होने का वजह से ये काम को रुका दिया। तो इसको हम लोग रिव्यू करने के लिए आज का मीटिंग बैठा है। तो हमने इस्टीमेट एक तो बनाया था, देखा है कि आपका लिरुलुपु मार्केट एरिया अपर कॉलोनी में अगर हम ये स्वच्छ भारत का फिर आप शुरू करता है तो कितना एक्सपेंडिचर जाता है। तो स्वीपर में आपका देख रहा है अगर 2 स्वीपर लगाता है तो 12,000, ट्रैक्टर का 30,000, ड्राइवर का 8,000, डंपिंग जोन का 10,000 लेगा, जहां हम लोग डंप करके सामान को फेंकना है। तो वो जगह भी हम लोग लोकेट कर लिया है, लिका में हम लोग स्पॉट को देख लिया। तो इसका बाद आपका फ्यूल खर्चा होता है 23,000 और मेंटेनेंस का कुछ जाएगा 4,000 करके, और उसको हम लोग जहाँ हम लोग सामान को डंप करता है वहाँ सेग्रीगेट करके हम लोग उसको जलाना पड़ता है, किसी को आपको डंप करना पड़ता है। तो उसका आपका ऑलमोस्ट 12,000 करके जाता है। तो कलेक्टर जो मार्केट में हम लोग लगाएगा उसका 8,000 करके, तो आपका ऑलमोस्ट महीना में 1,20,000 जा रहा है। तो हमने इसको मीटअप करने के लिए हमने एक रेट फिक्स किया है। तो मार्केट एरिया में जितने भी होटल्स हैं उसको हम लोग 500 रुपया करके हम लोगों ने फिक्स किया, रेस्टोरेंट लोग का आपका 200, वाइन शॉप और जो नॉर्मल शॉप लोग है सबको हम लोग 200 रुपया करके फिक्स किया, और मछली और मीट वाला जो चलाता है उसको 300 रुपया करके, और ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स लोग को आपका 200 करके फिक्स किया, पेट्रोल पंप को 300 रुपया, और लिरुलुपु अपर कॉलोनी ईच हाउस होल्ड को हम लोग 200 रुपया करके फिक्स किया है। और ईच डिपार्टमेंट आजकल HOD डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होकर बहुत है, तो उन लोग को 500 रुपया करके अपना कॉलोनी का ये करके देना है, और सैटरडे मार्केट का आपका महीना में 1600 करके हम लोग फिक्स किया है। तो इस रेट को जैसे भी हो आप लोग पब्लिक लोग अगर लिकावली जो एक यहाँ का हम लोग का अरुणाचल का एक 5 डिस्ट्रिक्ट का एंट्री पॉइंट है, इसको आदमी लोग देख के सुंदरता इसको रखना है तो हम लोग को इतना तो हम लोग को अपना तरफ से योगदान तो देना पड़े। तो इसको कहते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी ही इसको माइनस को हम लोग DCSR से हम लोग अप्रूवल ले लेंगे, लेके हम लोग सर्कुलेट करेगा, और अभी नवंबर का हम लोग फर्स्ट वीक से काम को चालू करने का हम लोग सोच रहा है। हम उम्मीद करता है आप पब्लिक लोग शॉपकीपर लोग जितने लोग हैं हमें साथ देगा इस योगदान को सफाई रखने के लिए। विद इस व्यूअर्स और एक बार मैं आप लोग जितना भी आया है व्यूअर्स लोग को भी मैं थैंक्स देता हूँ, थैंक यू। सभी को नमस्ते, और ये समय मिलने के लिए जूम मीडिया आपको भी थैंक यू। कहते हुए हम ये वेस्ट मटेरियल के बारे में अभी जो मीटिंग चलाए इसको हम लोग ये APWWS मदर ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से बहुत हम लोग इसको साथ देना चाहता है और साथ देना है। और लिकावली इतना सुंदर जगह है, इस सुंदर जगह को सफा से ही रखना है। अभी देखा गया है सब हर हम लोग साफ करके रखता है लेकिन कोना कोना में कचरा लोग को पूरा फेंक के रख देता है, ये देख के भी बहुत दुख लग रहा है। अभी जो ये बाजार सेक्रेटरी मीतो ताइपोडिया ने बोल दिया ये रेट का बारे में, और ये 200 रुपया कोई बड़ा बात नहीं है, 200 रुपया तो बहुत छोटा सा एक अमाउंट है। हम लोग का बच्चा लोग भी ईटानगर में रहता है, वहाँ तो रेंट में रहता है, रेंट में 4-5 स्टोरीज में रह के एक सिर्फ वो लोग का एक बैठने का जगह को
और हर ये का रूम रूम का 200 देता है, लेकिन वो बच्चा लोग भी बहुत खुशी खुशी से देता है, क्योंकि ये जो कचरा जो एक दिन नहीं फेंकने से दूसरा दिन में इतना बढ़ जाता है, इसलिए सभी मिलके इसको जैसे भी हम लोग साथ देना है। और हम लोग मदर ये ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से सभी को रिक्वेस्ट करता है, जैसे भी ये इसको करके हम लोग गंदा नहीं रहना है, हम लोग साफ़ सुथरा रहना है और स्वस्थ रहना है। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा बीच बैठा हुआ है हमारा एक्स चेट पीएम, हमारा बाजार सेक्रेटरी मीतो ताईपुदिया जी, और हमारा एडवाइजरी वोमेन मोक आयो मेरिक ताईपुदिया, ओके, जितना भी बाजार का बैठा हुआ शॉपकीपर्स आयो। तो हम ये बात बोलना चाहता है कि जो हम लोग पहले बार भी काम किया था उसमें भी बाजार कमेटी बाजार वाला बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन कुछ कुछ आदमी है हमारा लिरु लिपू का, उन लोग सपोर्ट नहीं करने का वजह से नहीं कर पाया है। तो हम जो है उसको भी हम बोलना चाहते हैं कि माने हाइजीनिक रहने के लिए तो आदमी करोड़ करोड़ रुपया फेंकता है, तो हम तो बस 200 रुपया वो कलेक्ट कर रहा है, उसमें भी हमारा बाजार सेक्रेटरी सर बोल दिया है कि कितना एक्सपेंचर होता है, कितना खर्चा जाता है, तो उसमें भी 200 रुपया को अगर आप डिवाइडेड बाई 30 करेगा तो आपका 6 रुपया ही पड़ता है। 6 रुपया आपका पूरा होल फैमिली को मतलब साफ़ रखने के लिए कुछ नहीं है। आप नहीं सोचना है कि हम कचरा जला रहे हैं, तो कचरा जलाने से भी तो कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल तो हो ही जाता है, वो जल के कहीं उड़ जाता है, गैस उड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग ये सोच के हम लोग मारतो रिवा सर का समय में हम लोग ये ऑर्डर को लिया था, तो बहुत आदमी सपोर्ट भी किया था 80-90% आदमी, लेकिन कुछ पान कलेक्ट नहीं होने का वजह से हम लोग नहीं कर पाया है, क्योंकि उसमें 1,20,000 से ऊपर का खर्चा है। तो इसको मैं थोड़ा पहले जो ऑर्डर दिया था क्यों नहीं कर पाया मैं उसको बता रहा हूँ, सपोर्ट नहीं होने की वजह से। तो यही चीज़ कई कई लोगों का ये है कि सोचना ये है कि अरे R1 आ गया, ये होगा वो होगा, नहीं, R1 अगर होने से भी ईटानगर में भी 200 रुपया उतारता है, और आप पासीघाट में भी उतारता है, हर जगह उतारा है, क्योंकि ये आपका पॉपुलेशन बढ़ने से वेस्ट मटेरियल हो जाता है। गवर्नमेंट तो पान देता है, जैसे गाड़ी ड्राइवर वगैरह देता है, तो उसमें आपका यूजली एक NGOs होता है, तो उसमें मिल के करना पड़ता है। तो आप मेरा हिसाब से तो ये तोरा मोरा अमाउंट कुछ नहीं है, तो आप लोग सब सपोर्ट करना चाहिए, और स्पेशली मैं जिगो येगो और हमारा इधर का वोमेन और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग का सपोर्ट चाहिए एरिया को साफ रखने के लिए, और जितना भी हम लोग का इधर का गाम बुराज है, जितना भी पंचायत लीडर्स है, आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, हम लोग एरिया को सुंदर से रखेगा, और ये एक एंट्री पॉइंट भी है, और ये काम शुरू होगा तो हमारा बजट सेक्रेटरी सर DC सर से मिल के अनाउंस करके आपको बता देगा। और दूसरा बात, अभी जो भी हम लोग वेस्ट मटेरियल पहले जैसा नहीं करेगा, हम लोग सुबह गाना बजा के जाएगा स्वास्थ्य भारत का, तो आप लोग जो है अपना अपना ये हम शॉपकीपर्स लोग को भी बोलना चाहते हैं, आप लोग जो वेस्ट मटेरियल फेंकने का एक प्लास्टिक होता है तो उसमें पैक करके रखिए, तो ट्रैक्टर आएगा आप गाना बजाएगा तो फेंकेगा, तो डस्टबिन बना के रखने से बहुत गंदा हो जाता है। तो उस और रेंट ओनर्स लोग को भी ये बोलना चाहता है कि आप लोग जो है अपना रेंट लोग को भी सिक्योर कीजिए कि रेंट लेते समय 200 रुपया जो है आप लोग गार्बेज में देना पड़ेगा। और आईटीपीपी वाला भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, उन लोग भी बोल रहा है इतना सुंदर सी टाउन है तो आप लोग क्यों ये वेस्ट मटेरियल नहीं फेंक रहा है, तो आईटीपीपी वाला भी हमारा साथ देगा बोला है, तो ये पूरा हमारा इसको लीड करेगा हमारा बजर सेक्रेटरी सर मीतो ताईपुदिया जी, ये DC से मिलेगा, इसका बाद इसको डायरेक्शन हम देगा और सपोर्ट करेगा हमारा वोमेन ग्रुप और जिगो येगो को हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग सपोर्ट कीजिए। और एंटर पब्लिक को और अगेंस्ट में आप लोग को दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग एरिया को साफ रखिए, 200 रुपया कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सबको आप लोग को मेरा बात सुन देने के लिए और ये बात को अमल में लाने के लिए थैंक यू।